और टीशा का सवाल है डिवीज लैब में। सिमी जी बताइए, डिवीज लैब पर आपकी क्या राय बन रही है? 3839 पर इनकी खरीद है, नुकसान झेल रही है टीशा जी, आपकी क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि डिवीज लैब में मैं कल ही बुलिश व्यू दिया था अपना शो में, जो मैं कल अपीयर कर रही थी टीवी पर। मुझे लगता है कि ये डिवीज लैब एक बार के लिए तो बॉटम बन चुका है नेहा, यहाँ से बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, नहीं दिखना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनका 3800 का परचेज है, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास अगर फ्रेश पैसा है तो करंट लेवल पर थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक बॉटम बना चुका है। ऐसे तो आप एकदम सेफ बेट में एंट्री लिए हैं, पर थोड़ा सा दिक्कत है कि लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, इसलिए आप पैनिक कर रहे हैं। पर बहुत ज़्यादा करेक्शन करंट लेवल से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। कल तो मैंने नेहा इसमें एक ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म बाइंग सजेशन दे चुकी थी, और मैं आज भी ये मेरा व्यू था कल, वो मैं अभी भी मेंटेन कर रही हूँ। बिल्कुल होल्ड करें, चाहे तो यहाँ पे एड ऑन कर लीजिए। स्टॉक आपको 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे है, 1 से 1.5 महीने में 4000 का लेवल छूने वाला है, तो करंट लेवल पर एड ऑन कर लीजिए, कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है। करने की बात नहीं है, एड ऑन भी कर सकती हैं, अगला पड़ाव 4000 का है। टीशा जी के सवाल का जवाब मानसी तिवारी।